नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपका एग्जाम 25 और 26 अक्टूबर को है तो आप इस वीडियो को जरूर से देख लीजिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम हॉल तक तो पहुँच जाते हैं लेकिन एग्जाम नहीं दे पाते हैं। किन कारणों से, सारे कारणों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों मैं अनएकेडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनएकेडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनएकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, हालांकि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है लेकिन आपकी नई भर्तियां आने वाली हैं, तो अगर आप नई भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करूंगा अनअकैडमी पर, तो आप मुझे आज ही फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पूरे इंस्ट्रक्शन। दोस्तों आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा जिनका एग्ज़ाम है कल, मुझे पूरी उम्मीद है। और दोस्तों आपने एडमिट कार्ड के साथ साथ ये भी देख लिया होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस स्थान पर है, लेकिन आपने क्या नहीं देखा होगा, उसके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं निर्देश, वो किसी ने नहीं पढ़े होंगे। मोस्टली अगर पढ़े होंगे तो 10% स्टूडेंट ने पढ़े होंगे और सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ते। इसलिए दोस्तों आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि आप ये गलती कर देते हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शन आपने पहले से पढ़ लिए हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के बाहर जा सकते हैं, क्योंकि मैं केवल यही बताने वाला हूं कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है। तो दोस्तों पहले तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि उम्मीदवार को प्रवेश पत्र पर अपनी रंगीन फ़ोटो चिपका कर लाना है, लेकिन वो फ़ोटो आपकी वही होनी चाहिए जो आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई की थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा क्योंकि इसमें तो काफ़ी बड़े बड़े लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो आपका है, ये तो आपका टाइमिंग के बारे में बताया हुआ है, तो टाइमिंग से तो आपको पहुंचना ही है। अब आपको आधार जो आपको आईडी में ले जाना है वो आपको क्या ले जाना है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो फोटो पहचान पत्र में आपको पैन कार्ड आपका बिल्कुल चलेगा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, फोटो युक्त पासबुक, ठीक है, जो आपकी बैंक की पासबुक होती है जिसमें फ़ोटो लगी होती है वो आपका बिल्कुल मान होगा, मान्यता प्राप्त कॉलेज या स्कूल अथवा विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया हुआ पहचान पत्र, ठीक है। अब आधार कार्ड तो आप ले जा सकते हैं क्योंकि मोस्टली लोग आधार कार्ड ही ले जाते हैं, लेकिन आपका जो ई आधार कार्ड है जो आपने नेट से निकाला हुआ है, जो आपका पोस्ट से घर पे आया हुआ है, वो आपका आधार कार्ड मान होगा, लेकिन जो आपका आधार कार्ड जो आपका ई आधार कार्ड है जो आपने नेट से निकाला हुआ है वो आपका मान नहीं होगा। ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ई आधार कार्ड मान नहीं होगा, इसलिए मैंने ये वीडियो को जरूरी बनाना समझा, ठीक है। तो ई आधार कार्ड आपका मान नहीं होगा, ठीक है। अगर जिन बच्चों के पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं और ई आधार कार्ड है, यानी कि हर तरफ से वो बिद गया है कि मेरे पास कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं है जिससे मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, तो दोस्तों आप हाई स्कूल की मार्कशीट ले जा सकते हैं जिसकी सनत होती है, जिस पर आपकी फ़ोटो होती है, आप वो ले जा सकते हैं, आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा, ये मेरे आपसे वादा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रवेश पत्र को, बाकी सब आपका बताया है कि किस टाइमिंग से आपको पहुंचना है। और दोस्तों इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि जो आपकी माइनस मार्किंग है तो वो भी आपके एग्ज़ाम में की जाएगी और आपका एग्ज़ाम है जो आपका ऑफलाइन होगा, और जो भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और प्रश्न पुस्तिका संख्या जब नंबर आप OMR में भरें तो उसके जो गोले होते हैं उसे थोड़े ध्यान से भरिएगा क्योंकि अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बता दिए, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सारे पॉइंट एक बार पढ़ लीजिएगा जो भी आपके एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में दिए हैं। हालांकि जब आप एडमिट कार्ड निकलवाने जाएं तो केवल फर्स्ट ही पेज निकलवाइएगा, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कीजिएगा, लेकिन इसमें अपने मोबाइल में पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या हमको लेकर के जाना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।